अभी जो सब्सक्राइबर मेरे जितने हैं और जितना बिना सब्सक्राइब किए हुए लोग देखते हैं, सभी लोगों को मैं जो है तहे दिल से अपना धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट जिस तरह कर रहे हैं दोस्तों, इसी तरह प्यार और मोहब्बत को बनाए रहिए, क्योंकि चैनल मेरा मोनिटाइज हो गया है और क्योंकि मैं मनोज देसर का सब्सक्राइबर हूँ, उन्हीं को देख के इंस्पायर होकर वीडियो में बना रहा था। और जितने भी ब्लॉगर भाई हैं उन सबों को जो है बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, ख़ास करके मनोज सर को, जो मनोज देसर है धनबाद की, उनको उनका वीडियो को देख के मैं काफ़ी ज़बरदस्त इंस्पायर हुआ हूँ और मोटिवेट होकर और मैं वीडियो बनाता हूँ और उनका हर वीडियो को देखता हूँ और हर वीडियो में उनका जो है सीखना सिखाना और लोगों को मोटिवेट करने वाला वीडियो होता है। इसलिए उनका जो नया नया चैनल खुले उनके लिए भी बताता हूँ कि मनोज सर का जो है चैनल को देखा कीजिए आप लोग, ताकि आप लोग मोटिवेट होइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शौकत अली, आप देख रहे हैं एस ए ब्लॉग सीसे। और दरअसल मुझे आज आप लोग सामने जो है कैमरा के सामने आना था कि मैं दो चार रोज़ से वीडियो डालने में लेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसे डीमोटिवेट किया कि वीडियो और ब्लॉगिंग करना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। और मैं बताना चाह लोगों को कि एक व्यक्ति मेरा ज़िंदगी में इस तरह शामिल हुआ दोस्तों कि बहुत ज़बरदस्त झटका दे दिया और बहुत तरह तरह से डीमोटिवेट करने के प्रयास किया और इस तरह मेरे साथ हालात कर दिया कि मजबूरन मुझे वीडियो लेट से छोड़ना पड़ रहा है, जिसके कारण जो है आप लोगों से मिलने में लेट हो गया। और एक व्यक्ति है जो मेरा यूट्यूब में अच्छा खासा भूमिका निभा रहा था, लेकिन वो जो है किसी के कारण या किसी के बहकावे से मुझे डीमोटिवेट करने में और मेरा चैनल को जो है डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करने लगा, जिसके चलते जो है मैं थोड़ा सा हरासमेंट हो गया था। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा तालाब भी है, खासा खासा तालाब है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक मदरसा है जो सबसे बड़ा मदरसा है और यहाँ पीछे सरकारी ज़मीन पूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सीसई तालाब, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मछली पालन होता है दोस्तों, यहाँ पर मछली पाला जाता है और सीसई की सबसे बड़ा बाज़ार है बाज़ार से। अस्सलाम वालेकुम, ये मकबूल भैया, ये करांजी निवासी हैं और अभी आए थे और मेरा बाजी है। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बेड़ो जा रहे हैं, पूरा आए हैं, देख सकते हैं, धन्यवाद। और सॉरी गाइस कि मैं बहुत दिन मेरा हो गया वीडियो डाला हुआ, लगभग 7-8 रोज हो गया आ रहा था। मैं बता रहा था दोस्तों कि मैं यूट्यूब में जो है मेरा चैनल मोनिटाइज भी हो गया दोस्तों, और मैं मनोज देसर से जो धनबाद के निवासी हैं, जो 5 साल पहले की सबसे बड़ा अभी यूट्यूबर बने हुए झारखंड की, और लोगों ने उनको जो है खूब सपोर्ट किया है, खूब मोहब्बत दिया है, प्यार मोहब्बत दिया है। तो दोस्तों मैं भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा भी चैनल मोनिटाइज हो गया है। और आप लोग प्लीज़ जो भी वीडियो बनाना है या जिस तरह का भी कंटेंट हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए या व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए मुझे बता सकते हैं आप लोग की रास्ता को। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया है और अभी जो है 2800 के करीब 2800 के आसपास करीब सब्सक्राइबर भी है। और मैं इस बीच जो है कोशिश किया हूं, मनोज देसर का चैनल में 2-3 बार कमेंट किया हूं, अगर उनसे मिलने की मौका मिला तो उनसे भी बहुत जल्द आपको रूबरू कराऊँगा और चैनल के विषय में भी उनसे बात करना है और उनसे मिलना है। बहुत जल्द जो है आप लोगों को उनसे मिलने का मौका दूंगा और उनसे मिलूंगा और बातचीत करूंगा, क्योंकि लोगों की वो मदद करते हैं और लोगों को मोटिवेट करने की काम करते हैं। तो मैं भी उनको कमेंट किया हूं, मेरा चैनल की नाम और मेरा नंबर उनको दिया हूं, अगर उन तक मेरा वीडियो पहुंचेगा
तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि उनसे बात करूँ और मिलूँ। काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते हैं और काफ़ी लोगों की चैनल को ग्रोथ करने में उनका हाथ रहता है, तो मैं उनसे मिलूँगा और उनसे ज़रूर आप लोगों के लिए आप लोगों को भी मिलवाऊँगा, मेरे सब्सक्राइबर को भी मिलवाऊँगा, क्योंकि मैं मनोज देसर का सब्सक्राइबर हूँ और उन्हीं को देख के इंस्पायर होकर वीडियो में बना रहा था और वीडियो मेरा मोनिटाइज हो गया है। और मेरा मोनिटाइज होने का एक महीना गुजर गया दोस्तों, लेकिन बीच में मैं डीमोटिवेट हो गया था किसी की वजह से, पर मैं आज से हर सवेरा आप लोगों को दिखाऊंगा और हर सवेरा आप लोगों से मिलूंगा। और अभी जो है मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है तमीर जो साथ में अभी मिल के चैनल पर काम कर रहे हैं, तो वो आज दुकान किए हुए हैं, उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी दिन हो गया दोस्तों, और मेरा एक सलाहकार जो है हैदराबाद में रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो भी जो है मेरा चैनल में काफ़ी योगदान उनका रहा है और काफ़ी मोटिवेट करने में और चैनल में काम करने में काफ़ी प्रभावशाली मेरे लिए हैं, क्योंकि मैं इससे पहले जो है चैनल में काम करना मुझे बहुत मुसीबत और मुश्किल लगता था, लेकिन वो मेरा ज़िंदगी में काफ़ी प्रभावशाली साबित हुए दोस्तों, और मेरा दोस्त तनवीर और मैं दोनों को मोटिवेट किए वो। और एक आदमी मेरा ज़िंदगी में तेजाब की काम किया है दोस्तों, मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि लोगों को भी मोटिवेट करना अलग बात है, लेकिन किसी की पाँव के नीचे से ज़मीन खींच देना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और कुल मिला के वो मेरे साथ कुछ ऐसे ही किया है, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच दिया है, और इस तरह खींच दिया है कि YouTube चैनल शुरू तो कराया, लेकिन शुरू कराने के बाद जो है डायरेक्ट इस तरह मेरा साथ में करने लगा कि मैं वो एग्रीमेंट भी आपको दिखाऊंगा। और कुल मिला के 4 से 5 लाख रुपये का नुकसान मुझे कर दिया, जिसके कारण जो है मैं एक डीमोटिवेट होकर और अपना सपना मेरा खो गया, ये समझ के मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था। उसका भी कहानी बताऊंगा और उस व्यक्ति का भी चेहरा बहुत जल्द आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, अगर मैं उनसे एक बार फिर से बात कर लेता हूं, अगर वो अपना बात में खरा उतरा तो ठीक है, और अगर खरा नहीं उतरा तो मैं उसका चेहरा भी आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। ये है मेरा जाकिर भाई जो सीसई पंचायत का डीलर हुआ करते थे, अभी डीलरशिप छोड़ दिया क्या? अभी भी डीलर हैं और अन्नदाता का सेवा करते हैं। आप कुछ बोलिएगा सीसई को लेके, कुछ बोलिए कि सीसई का दिशा तो आज बदल चुका है, सीसई का दिशा आज बदल चुका है कि नहीं? सबका सोचने का मानसिकता जो है, दशहरा का माहौल बहुत बेहतरीन है अभी दोस्तों, हमारा सीसई में दशहरा का माहौल है बड़ी बेहतरीन जो है, दशहरा का माहौल है, चारों तरफ पूरा सीसई को सजाया जा रहा है दशहरा को लेके। आप लोगों को दशहरा को किस तरह सजाया जा रहा है उसको भी ले जाके चल के दिखाता हूँ, दशहरा को पूरा सीसई में किस तरह सजाया गया माहौल है। और ये हमारे जाकिर भाई की जुबानी भी सुने, और हिंदू मुस्लिम क्या एकताई जो हमारे यहाँ एक मिसाल कायम है, मुहर्रम हो चाहे रामनवमी हो या जो भी पर्व हो सब या दशहरा हो, सब जो है मिल के मनाते हैं दोस्तों, यानी सब का मिली भगत रहता है, उनका पर्व में हमारे लोग खुश रहते हैं, हमारे पर्व में उन लोग खुश रहते हैं, तो कुल मिला के भाईचारा ज़बरदस्त कायम है सीसई का। सीसई का भाईचारा में किसी किस्म का कोई दुमत की बात नहीं है, दूर दूर तक सीसई का मैसेज जाता है दोस्तों, अगर सीसई में किसी तरह का कोई पर्व आ जाए तो दूर दूर तक मैसेज जाता है सीसई का। तो खैर मैं बता रहा, फिलहाल मैं इस वीडियो में मनोज सर से कहना चाह रहा हूँ कि सर आपसे प्लीज़ बहुत अर्जेंट मिलना है, और आपकी वीडियो देख देख के मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ और काफ़ी जो है मदद मिलता है मुझे, यहाँ पर काफ़ी लोग काफ़ी लोग जो है जगह जमा हो गया दोस्तों। स्टेट में सीसई जो है एक पॉपुलर जगह है, पॉपुलरिटी भी सीसई को काफ़ी मिल चुका है, और मैं इसी तरह रोज़ाना दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो को प्यार देते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, और किस तरह का मैं कंटेंट आप लोगों के सामने पेश करूं इसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग कि मैं किस तरह का कंटेंट आप लोगों को दिखाना चाहूं या दिखाऊं जो आप लोगों को पसंद होगा, मुझे प्लीज़ आप लोग जो है कंटेंट पर आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट जिस तरह कर रहे हैं दोस्तों, इसी तरह प्यार और मोहब्बत को बनाए रहिए, क्योंकि चैनल मेरा मोनिटाइज हो गया है और अभी जो सब्सक्राइबर मेरे जितने हैं
और जितना बिना सब्सक्राइब किए हुए लोग देखते हैं, सभी लोगों को मैं जो है तहे दिल से अपना धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी ब्लॉगर भाई हैं उन सबों को जो है बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, ख़ास करके मनोज सर को, जो मनोज देसर है धनबाद की, उनको, उनका वीडियो को देख के मैं काफ़ी ज़बरदस्त इंस्पायर हुआ हूँ और मोटिवेट होकर और मैं वीडियो बनाता हूँ और उनका हर वीडियो को देखता हूँ और हर वीडियो में उनका जो है सीखना सिखाना और लोगों को मोटिवेट करने वाला वीडियो होता है। इसलिए उनका जो नया नया चैनल खुले उनके लिए भी बताता हूँ कि मनोज सर का जो है चैनल को देखा कीजिए आप लोग, ताकि आप लोग मोटिवेट होइएगा। मैं बहुत जल्द जो है मनोज सर से मिलने वाला हूँ, अगर ये वीडियो को मनोज सर मेरा देखेंगे तो ज़रूर मैं उनसे मिलूँगा कि वीडियो मेरा पहले किस तरह था, आप किस तरह हो गया है और आगे किस तरह बनाना है, मैं उन्हीं से मिल के डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरह हमारा शीशे के दशहरा को सजाया जाता है, बड़ी धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है, पूरा पंडाल को एक से बढ़कर अभी सजाने का काम चल रहा है तब तक के लिए दोस्तों लंबा वीडियो करना नहीं चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।